फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जर्नी। आज आपको लेके चल रहे हैं बिनाल देवी के ट्रैक में, जो कि गुफा चौराहे से 3 किलोमीटर ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रचलित ट्रैक है, जिसके बारे में जानकारी देंगे हमारे गाइड मिस्टर भुवन। ये है मिस्टर भुवन, जो यहाँ के लोकल गाइड हैं और चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। तो बताइए भुवन जी, क्या है इस ट्रैक की खासियत और कितना किलोमीटर का ट्रैक है और कितना समय लगता है? 2 घंटे लगते हैं। और खड़ी चढ़ाई? खड़ी चढ़ाई है। ऊपर जाके देवी का मंदिर है? देवी का मंदिर है, वहाँ पे अच्छा व्यू है देखने लायक। अच्छा, उस टूर पर्यटक जाते हैं वहाँ पे, देवी की जी तय करते हैं। अच्छा, तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं आपको ऊपर मिल चल के। हमारे गेस्ट भी आए हैं लखनऊ से, हरेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको कैसा लग रहा है ट्रैक में, पहाड़ी ट्रैक में? बहुत बढ़िया, अभी तो चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर चल के देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सांस बिल्कुल फूल चुकी है, चलने में बोलने में भी दिक्कत हो रही है। पतली सी पगडंडी और उस पर सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, तो ध्यान से चलने की बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पे। भुवन जी, यही एकमात्र रास्ता है, कोई और रास्ता भी है? अच्छा, ये और रास्तों से थोड़ा ईजी है। अच्छा, ये इजी है, तो बाकी कितने टफ होंगे वो समझ में आ रहा देख के। अच्छा भाई साहब, ये ट्रैक मुझे अपने पुराने नैनीताल के दिनों की याद दिला रहा है, जब हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ा करते थे तो ऐसे ही रास्तों में हम दौड़ भाग के भी निकल जाया करते थे। और आज हालत ऐसी है कि चलने में भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये देखिए व्यू, अभी आधी चढ़ाई हमने चढ़ी है और यहाँ से इतना विहंगम दृश्य दिख रहा है, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है। चलिए भुवन जी से पूछते हैं, जो यहाँ के लोकल गाइड है, इसका इतिहास क्या है और ऊपर जाके हमें क्या मिलने वाला है। तो भुवन जी, बताइए पहले, तो इतिहास बताइए। अच्छा, ऊपर से सब ऊपर सारे गांव दिखेंगे आप। अच्छा, वहाँ पे लोकेशन बड़ी अच्छी है। अच्छा, तो ऊपर जाके प्लेन है या? प्लेन कम है, प्लेन वैसे मंदिर तो फिर प्लेन बना हुआ। अच्छा, पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, मतलब लगता है बड़ा अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, तो ये जानकारी जो भुवन जी ने दी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इतिहास है वहाँ पे। तो ये मंदिर किसने बनाया था? ये तो प्राचीन मंदिर बना हुआ, ये पता नहीं सर हमको कैसे बना हुआ है मंदिर। अच्छा, हमने तो ऐसे ही दिखाए, शायद हमारे दादा लोगों ने भी ऐसा ही देखा हो या हमारे माँ बाप ऐसे ही दिखाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे ट्रैक में? मजा आ रहा है? कई सालों बाद इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी होगी आपने? लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक विश्राम स्थल मिला है, जहाँ पे पानी वानी पी रहे हैं, थोड़ा सांस को पकड़ रहे हैं। अभी और लगभग 5 किलोमीटर और चढ़ना है ऊपर को। ये दृश्य देखिए, बिल्कुल जंगल है, हाँ बांज का जंगल। भुवन जी, अभी और 0.5 किलोमीटर हुआ है, 5 किलोमीटर 20 मिनट और लगेंगे, मतलब इनके उससे 0.5 किलोमीटर और हमारे हिसाब से 1 किलोमीटर 20 मिनट। और देखिए यहाँ से दृश्य, पूरी पहाड़ी की चोटी के ऊपर आ चुके हैं, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। ये जो रास्ता है नीचे से, इधर से आ रहे हैं हम लोग, ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया। पहला स्टॉप पेड़ों की छाव के बीच में, बांस के पेड़, ठंडी हवा। गाइड साहब भी वहाँ थक गए हैं, हम भी थक गए हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा रह गया अभी,
लगभग 10 किलोमीटर का रह गया होगा, 10 किलोमीटर सॉरी 10 मिनट का। और गेस्ट भी हमारे पूरी तरीके से चूर हो चुके हैं चल चल के, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगे पड़े हैं माता के नाम से। सामने आ चुकी है मंजिल, मंदिर जो है तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम मंदिर में। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 1867 में शायद बना है ये, अंदर आधासी उसमें लगी है आधासी का। तो ये 2.5 किलोमीटर 2.3 किलोमीटर का ट्रैक था जो आपको इस मंदिर में पहुँचाएगा। इसे कहते हैं गनियाल देवी का मंदिर। और इससे अगर देखेंगे आप तो सारी पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको अपने से नीचे। यहाँ से दिखता है गर्म पानी रानीखेत का एरिया भी दिखता है, लेकिन आग लगने की वजह से धुंध हो रही है और धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है अभी। एकदम साफ दिखता है एकदम, ये देखिए सारी पहाड़ियों के ऊपर खड़े हैं इस समय। तो माता का जयकारा करते हुए हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपने ब्लॉग में, एक अलग ट्रैक आपको कराएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा